जबकि शहर के 6 मेगा मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया गया है। एलडीए की शेरावाला फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक अंडरपास, शाहकाम चौक की तजीन और आयश के लिए फंड्स की डिमांड भी की गई है। समनाबाद मोड़ और गुलाब देवी जंक्शन के लिए भी रकम मांग ली गई है। सप्लीमेंट्री फंड के लिए समरी वज़ीर-आला कौरसाल कर दी गई है। नए माली साल के लिए जारी और ज़रे इल्तवा मंसूबे तरजीह हैं। बजट का सिर्फ 15% मुख्तस होगा। लाहौर के 300 मंसूबों पर कट लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहर के 6 मेगा मंसूबों पर काम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। एलडीए की शेरावाला फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक अंडरपास, शाहकाम चौक के तजीन और आयश के लिए फंड्स की डिमांड की गई है। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर के लिए बहुत मेगा प्रोजेक्ट पे एक अच्छा पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था और उसके बाद उन्होंने इस पे वाज़िया हिदायत दी थी कि इस पे काम शुरू किया जाए। तमाम ब्रीफिंग के बाद उन्होंने जो 6 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उसमें शेरांवाला फ्लाईओवर है, करीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर है, शाहकाम चौक की रीमॉडलिंग है, फ्लाईओवर इस मंसूबे में शामिल था। गुलाब देवी पे सिंगल व्हीकलर अंडरपास था जो कि कलमा चौक से फिरोजपुर रोड की जानिब है। इसी तरह 1 अरब रुपए की मालियत से लाहौर शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक थे। अब ये तमाम प्रोजेक्ट जो वज़ीर-ए-आला ने प्रायोरिटी पे मंजूर किए और इसको बाद में ग्रीन सिग्नल दिया एलडीए को कि फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। एलडीए ने अब तमाम पैसे जो हैं इस फंड्स के लिए मांग लिए हैं और सप्लीमेंट्री ग्रांट में एडीपी के तहत ये पैसे मांगे गए हैं। इसकी बाकायदा समरी जो है चीफ इंजीनियर बना के वज़ीर-ए-आला पंजाब को अरसाल की है जो डीजीएलडी के तवस्सुल से गई है। अब जैसे फंड्स मिलते हैं या फंड्स को एलोकेट किया जाता है तो फौरी तौर पर इन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू कर दिया जाएगा और इसको ट्रेंडरी की तरफ जाके लाहौर शहर में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था अमली तौर पर उस पर शुरू हो जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया दुरे नयाब आपका।